इस वीडियो में सिंपल बेल बॉटम पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों पैंट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 38 इंच, हिप 32 इंच, कमर 27.5, मोहरी है 19 इंच, जांग है 20 इंच, लटक है 23 इंच और घुटना है 15 इंच। तो इन्हीं नापों से दोस्तों आज हम सिंपल बेल बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले सीधी लाइन करेंगे। जहां पर हमने सीधी लाइन की है वहां पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए, क्योंकि यहां पर हम 1.5 इंच का बेल्ट अटैच करेंगे। और यहां पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। पैंट की लंबाई है 38 इंच, तो यहां पर हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो तुरपाई वगैरह रहता है उसके लिए। तो 1, 2 और ये 2.5 इंच। इसके बाद घुटने का निशान लगाएंगे। तो पेंट की लंबाई है 38 इंच, 38 का हाफ करेंगे 19 इंच और इसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे और घुटने का निशान 19.5 पे लगाएंगे। इसके बाद हम लटक का निशान लगाएंगे। तो इंची टेप को इस तरह से नीचे लाएंगे, जहां पर हमने लाइन की उसके नीचे रखेंगे। और यहां पर हमारा जो पेंट का लटक है 23 इंच, तो 23 का हाफ करेंगे तो 11.5 इंच। और यहां पर हम बेल्ट का 3 इंच माइनस करेंगे, फ्रंट और बैक का 1.5 इंच, 3 इंच माइनस करेंगे तो 8.5 इंच। तो यहां पर हम लटक रखेंगे 8.5 इंच, सेम निशान यहां पर लगा लेंगे। यहां से कोर से इस तरह से 1/2 इंच पे एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे, पहले ये देखिए इस तरह से। और यहां पर हम जांग का निशान लगाएंगे। तो पेंट की जो जांग है 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे 10 इंच। तो यहां से हम 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद अंदर की तरफ 1.5 इंच फ्लाई के लिए लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जहां पर हमने फ्लाई का निशान लगाया है, देखिए इस तरह से, तो यहां तक देखेंगे कोर तक कितना है, तो 9 इंच। तो यहां पर भी हम 9 इंच पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे कमर के पास। फ्लाई को 1/2 इंच डाउन करेंगे और जांग वाले लाइन से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहां पर फ्लाई को इस तरह से राउंड करेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो पेंट की जो कमर है 27.5 इंच, तो यहां पर हम लिख देते हैं 27.5 इंच। और 27.5 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 7.5 इंच और 1 सूत। तो यहां पर ये देखिए, हम यहां से इस तरह से निशान लगाएंगे 7.5 इंच और 1 सूत। उसके बाद 1 इंच यहां पर दबाव के लिए लेंगे, तो 7.5 इंच और 1 सूत। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच दबाव के लिए लिया है, 7.5 इंच 1 सूत आया है। इसके बाद यहां पर हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो यहां पर हम 2.5 इंच पॉकेट के लिए लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ऊपर से नीचे पॉकेट के लिए लेंगे 7.5 इंच। इसके बाद राउंड फंटे लेंगे और इस तरह से यहां पर शेप दे देंगे। इसके बाद घुटने का निशान लगाएंगे। घुटना है 16 इंच, तो यहां पर हम लिख देते हैं 16 इंच। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम घुटने का निशान की इस तरह से लगाएंगे। तो जांग को हम सबसे पहले मेजर कर लेंगे, देखिए इस तरह से, यहां से कोर तक। तो यहां पर आ रहा है 10.5 इंच, तो यहां पर भी हम 10.5 इंच पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम सबसे पहले सेंटर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा सेंटर का निशान आ गया, इसको हम मोहरी के पास भी लगा लेते हैं। तो यहां से सेंटर तक देखेंगे कितना है, 7.5 इंच। तो यहां पर भी हम 7.5 इंच पे पहले सेंटर का निशान बना लेंगे। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, हम घुटने का निशान किस तरह से लगाएंगे। तो हमारा घुटना है 16 इंच, 16 को हाफ करेंगे तो 8 इंच और 8 को हाफ करेंगे 4 इंच। तो सेंटर से हम 4 इंच इधर लेंगे और 4 इंच इधर लेंगे तो 8 इंच, 8 को डबल करेंगे तो 16 इंच घुटना निकल जाएगा। इसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे। पेंट की मोरी है 19 इंच, तो यहां पर हम लिख देते हैं 19 इंच। 19 का हाफ करेंगे
तो 9.5 इंच और 9.5 का हाफ करेंगे तो 4.5 इंच। तो सेंटर से हम 4.5 इंच इधर लेंगे और 4.5 इधर लेंगे तो 9.5 इंच, और 9.5 को डबल करेंगे तो 19 इंच मोहरी निकल जाएगा। अब यहां पर राउंड फंटी लेंगे इस तरह से, और यहां से मोहरी से जांग तक ये देखिए सभी निशान एक बराबर आ जाए, इस तरह से राउंड फंटी को रखेंगे। तो यहां पर ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे, तो इस तरह से रखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमारा जो तीनों निशान है मोहरी का और घुटने का और जांग का, ये हमारा एक दूसरे से मिल रहा है देखिए राउंड फंटी में। तो यहां पर हम इसको शेप दे देते हैं। इसके बाद राउंड फंटी को इस तरह से पलटी करेंगे और इस तरफ भी शेप दे देंगे। यहां पर इस तरह से कट लगाएंगे पॉकेट के पास, नीचे की तरफ भी इस तरह से कट लगा लेंगे, यहां पर भी लगा लेंगे फ्लाई के पास। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहां पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ऊपर साइड को नीचे ले जाएंगे और नीचे साइड को ऊपर लाएंगे। फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे, जांग वाले लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और 1/2 इंच नीचे की तरफ एक लाइन और करेंगे। घुटने वाली लाइन को भी इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहां पर मोहरी वाली लाइन को भी आगे बढ़ा लेंगे। जांग के पास बेक में 2.5 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जांग को कम ज्यादा करने के लिए। इसके बाद यहां पर हम लेंगे 2.25 इंच घुटने के पास। इसके बाद यहां पर मोरी के पास हम 1.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद राउंड फंटी लेंगे और मोहरी से घुटना और जांग एक दूसरे पे निशान ये देखिए इस तरह से मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम रखेंगे राउंड फंटी को। इसके बाद जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसको घुटने तक इस तरह से शेप देंगे। जहां पर हमने फ्लाई को ये देखिए 1/2 इंच डाउन किया है, वहां पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहां पर बेक में कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है 27.5 इंच और उसका चौथा हिस्सा हुआ था 7.25 इंच और 1 सूत। तो यहां पर हम सबसे पहले दबाव के लिए 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर का चौथा हिस्सा लेंगे 7.25 इंच और 1 सूत। इसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए ले लेंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, आप चाहे तो यहां पर 2.5 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितना लेंगे। इसके बाद यहां पर हम हिप का निशान लगाएंगे बेक में। तो यहां पर हम बिना मेजर किए हिप का निशान लगाएंगे, तो किस तरह से लगाएंगे? तो यहां पर हम सबसे पहले एक सीधी लाइन कर लेंगे, देखिए इस तरह से यहां पर एक निशान लगा लेंगे। जहां पर हमारा फ्रंट का फ्लाई है ये देखिए जांग है, वहीं पर हम एक इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहां इसको उठाएंगे यहां से और यहां पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम जहां पर 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाए हैं और कमर वाले लाइन पे इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, लाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो 2 इंच एक्स्ट्रा लाइन किए हैं उसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको राउंड किस तरह से देंगे, तो ऊपर वाली लाइन को इस लाइन से राउंड करेंगे और यहां से करेंगे जहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं वहां से नहीं करेंगे, जहां पर हमारा बेक में जांग लिए हैं जितना हम 2.5 इंच वहीं से हम इसको राउंड करेंगे। इसके बाद नीचे वाली लाइन को हम हिप वाली लाइन से राउंड करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हम बिना मेजर की यहाँ पर हिप का इस तरह से निशान लगा सकते हैं और पेंट की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कमर वाले लाइन को हम इस तरह से कट कर लेंगे, और जहां पर हमने बैक में 2.5 इंच निशान लगा है ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से कट करेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो उस समय हमें परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों सिंपल बेल बॉटम पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।